वीडियो नंबर टू में निर्मल जी शुरू करते हुए सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्यूरेट कैलकुलेशंस विद रिगार्ड टू प्रेडिक्शन यस सर एज आई टोल्ड यू सर दैट एक्यूरेसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी प्रेडिक्शन कैलकुलेशन तो कोई भी कर देगा लेकिन कैलकुलेशन करने के बाद उसमें क्या लिखा है आप क्या समझते हैं उसको बता पाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोई भी आपके पास सज्जन या कोई महिला या बच्चा आपके पास आता है तो वो अपने भविष्य को लेकर बहुत उत्सुक होता है एस्ट्रोलॉजी आपका भविष्य बदल नहीं सकती है लेकिन आपको एक गाइडेंस दे सकती है जहाँ तक एक्यूरेसी की आपने बात की और जहाँ तक प्रोडिक्शन की आपने बात की इसके लिए उतना ही जरूरी है जैसे एक पेशेंट अगर अपने कुछ लैब के टेस्ट के लिए जाता है टेस्ट पे जो लेबोरेटरी से जो उसकी टेस्ट की रिपोर्ट आती है उसके बेस पे जो एक्सपर्ट डॉक्टर है जो अपने फील्ड के डॉक्टर हैं उसको देख के आपका उपचार करते हैं ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी का सही तरीके से ड्रॉ करने के पश्चात जो हमारे पास सामने चीज़ें आती हैं घरों का भाव देख के उनमें किसकी दशा चल रही है दशा में अंतर किसका है प्रत्यंतर किसका है सूक्ष्म दशा किसकी है तो उसके बेस पे कैलकुलेशन की जा सकती है अब बात रही कि भी कितनी अच्छी तरीके से आप इसको देख सकते हैं सब ये उसी तरीके से डिपेंड करता है जैसा एक फिजिशियन या एक सर्जन पढ़ाई तो सेम की हुई होती है लेकिन जब ट्रीटमेंट देते हैं तो ट्रीटमेंट में उनका अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से डिफरेंस आता है लाइक वाइज एवरी एस्ट्रोलॉजर एवरी बॉडी एज गोड देयर ओन विजडम देयर ओन इंटलेक्ट माँ सरस्वती की कितनी कृपा है किसके ऊपर तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट करके उनको एक अपनी प्रिडिक्शंस दे सकते हैं एक सवाल ये दिमाग में आता है निर्बल जी कि आपने कहा कि कौन सी डेट है कि समय पैदाइश हुई और कौन से स्थान पर तो मान लीजिए कि एक नर्सिंग होम में एक समय पर बारह बच्चे हुए तो क्या सबकी हॉरोस्कोप सेम होगी क्योंकि लोकेशन वही है और दिन और समय वही है नहीं आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सर क्या होता है कि ए, कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही वक्त पे इतने बच्चे पैदा हो अगर जनरली एक वक्त पे बच्चे होते हैं हमने देखा कि ट्विंस भी होते हैं लेकिन ट्विंस के भी स्वभाव अलग हो जाते हैं तो इसको ये कह पाना कि भाई सबका स्वभाव एक जैसा होगा सबकी एक जैसी एजुकेशन होगी उसके ऊपर काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती है अगर मान लीजिए दस मिनट का अंतर है पंद्रह मिनट का अंतर है उसके अंदर चंद्रमा की चंद्रमा बदल जाता है या मान लीजिए नक्षत्र बदल जाता है तो उसके हिसाब से उस आदमी का आगे जाके पूरा का पूरा प्रोडिक्शन भी चेंज हो जाएगा तो जनरली अगर एट ए टाइम दो लोगों का जन्म एक साथ है तो मैं कह सकता हूँ कि प्रोडिक्शन करने में बड़ी आ, आसानी है कि हाँ एक जैसा ही रहेगा लेकिन कुछ अंतर है तो उसमें पक्का अंतर उसमें मिलेगा प्लीज ऑल्सो टेल मी दैट हाउ आर प्रिडिक्शंस डन सर वट इज हैपनिंग आफ्टर एज आई टोल्ड यू देर आर ट्वेल्व जोड़िय साइंस देर आर नाइन प्लेनेट्स विच आर मेजर डिपेंडिंग अपॉन द एसेंडेंट एंड द सिचुएशन ऑफ दीज प्लेनेट्स एंड अंडर विच कॉन्सोलेशन दैट नक्षत्र विच वी कोल दर 27 सेवन नक्षत्र इन द ब्रह्मांड कि किस नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं किस नक्षत्र में किस uh, प्लैनेट की दशा चल रही है तो उसके बेस पे हर लोग अपने अपने हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं सर अष्टोत्री महादशा पे भी करते हैं विश्वमित्री पे भी करते हैं लोग योगिनी पे भी करते हैं कई लोग फेस देख के और उसको बनाते हैं ऐसा मेरे को सुनने में आया और पहले तो मैं इस चर्च को नहीं मानता था लेकिन एक दो और जो मेरे ज्योतिषी दोस्त हैं उनसे मैंने बात की उनका भी ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपका फेस देख के और प्लानेटरी पोजिशन को बता सकते हैं तो विद्याएँ अलग अलग हैं सर काफ़ी लोग हैं जो इसमें महारत है लेकिन अपनी जो कैलकुलेशन की बात है जो प्रोडिक्शन की बात है वो प्योरली प्योरली इन स्टार की पोजीशंस के ऊपर नक्षत्र के ऊपर आपकी मून राशि के ऊपर आपकी दशा क्या चल रही है कौन सी दशा से आप देख रहे हैं और आपका अपना गट क्या है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है सर अनदर क्वेश्चन दैट कम्स टू माइंड निर्मल जी नाउ यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ ऑलमोस्ट मोर देन फोर डिकेट्स एक्चुअली इन एस्ट्रोलॉजी दैट हाउ इज दूरेसी ऑफ प्रिडिक्शन फाउंड फाउंड आउट आई एल एक्सप्लेन दिस फॉर एग्जाम्पल अगर आप कह रहे हैं कि मेरा विवाह का uh, समय बन रहा है या एक दुर्घटना की संभावना है तो अगर विवाह का योग बन रहा है तो वो कितने समय तक रहेगा जिसमें कि वो योग है विवाह हो जाएगा या कब तक है कि वो दुर्घटना का खतरा है उसकी so, क्या एक्यूरेसी है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर एक्यूरेसी मैंने फिर बताया कि ये डिपेंड करता है कि आपकी कितनी स्टडी है आप कितना गहराई से आप एस्ट्रोलॉजी को देखते हैं कितने गहराई से गहराई से आप प्लेट्री पोजिशन जो बैठी हुई है उसको देखते हैं लेकिन मेरे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ सब 90 परसेंट से ज़्यादा एक्यूरेसी हम जब डिस्कस करते हैं मैं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ ना मैं कोई पैसा चार्ज करता हूँ मैं स्टूडेंट हूँ मैं पढ़ता हूँ मैं डिस्कस करता हूँ बहुत लोग मेरे पास डिस्कशन के लिए आते हैं जितना भी मैंने देखा है एक टाइम फ्रेम होता है सर इस दौरान में कि ये दशा आपकी चल रही है क्योंकि शादी ब्याह के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि सप्तम भाव को पंचम भाव को हम देखते हैं कि भाई उसका क्या योग बन रहा है उसकी दशा कौन से प्लैनेट की चल रही है प्लैनेट की दशा अगर फेवरेबल है और उसका एस्पेक्ट सेवन्थ हाउस पे पड़ रहा है और सेवंथ हाउस के लोड का भी कॉम्बिनेशन उसके मेन दशा के लोड के साथ चल रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि इस तीन महीने में छः महीने में आपका ये शादी का योग बन रहा है ये सर एक इंडिकेशन है ये ये नहीं है कि भी वो बन रहा है तो हंड्रेड परसेंट बन रहा है एक कम्बिनेशन हो गया दूसरा कम्बिनेशन ये बनता है तीसरा कम्बिनेशन ये बनता है लेकिन जो सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग कम्बिनेशन बनेगा हम ये बताएंगे कि इसके दौरान में आपकी शादी होने की संभावना है नंबर वन नंबर टू एक्सीडेंट वगैरह की जो आपने बात कही है तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए हम ये देखते हैं कि कोई क्रूर ग्रह और पाप ग्रह कोई मिल रहे हैं और हमें ये लग रहा है कि भाई इस टाइप की कोई दुर्घटना होने की संभावना है कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको साफ ये नहीं कहेगा कि ये दुर्घटना आपकी होने वाली है ये कहेगा कि भाई आप थोड़ा सा संभल के रहिए तो इस दौरान में थोड़ा सा कोई दिक्कत लग सकती है इट्स लाइक दैट सर यू आर नोइंग ए रोड इट्स ऑलवेज बेटर टू नो ए रोड देन द अननोन रोड अगर वहाँ पे कोई बम्पी राइड है हमें पता है कि यहाँ पे स्पीड ब्रेकर है तो वी कैन अप्लाई द ब्रेक्स अगर हमें पता कि ये हाईवे है तो वी कैन जस्ट फास्टन आवर स्पीड तो दिस इज ए गाइडेंस

हेल्पिंग द डेस्टिट्यूट यू आर हेल्पिंग द मासज एंड यू डोंट डू एनीथिंग रोंग दैन दैट कैन मेक यू किंग टेक एग्जाम्पल अवर हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर इन साढ़े सती ऑफ सेटर विच पीपल दे से कि साढ़े सती आ गई अरे हम तो खराब हो जाएंगे वोट द टाइम ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग दैट टाइम्स सर बिकॉज ही इज़ डूइंग द राइट थिंग फॉर द डाउन ट्रोडन इतने मासिज के लिए अस्सी अस्सी लाख करोड़ लोगों के लिए अनाज वगैरह दिया जा रहा है तो क्या होता है कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं तो आप अपने कर्मों को भी उससे बदल सकते हैं और वो आपके पॉजिटिव इम्पैक्ट दे सकते हैं थैंक यू निर्मल जी आपने बहुत अच्छा बताया और इससे गाइडेंस मिली वी कम नाउ टू द एंड ऑफ़ वीडियो नंबर टू और तीसरे वीडियो में हम बात करेंगे कि जो बच्चों का आगे की पढ़ाई के लिए झुकाव है उसके एस्ट्रोलॉजिकल प्रोडिक्शन के बारे में धन्यवाद थैंक यू सर